तो गाइज आपने कभी सोचा है कि राजेश टोवाई को जो है वन शॉट किंग और उसके ऊपर से जो है शॉर्ट रेंज में इतना अच्छा मूवमेंट दिखाने का उनके पीछे राज क्या रहता है। मतलब देखो गेम वही है, डिवाइस भी ऑलमोस्ट आईफोन यूज़ किया, चलो मान लिया बहुत से लोग हैं जो आईफोन भी यूज़ करते हैं लेकिन फिर भी वो राजेश टोवाई नहीं बन पाते, उसके पीछे रीजन पता है क्या रहता है? इट्स नॉट अबाउट राजेश टोवाई, ठीक है। आप देख रहे राजेश टोवाई के बारे में बात नहीं, और भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं जो जिनका शॉर्ट रेंज बहुत अच्छा रहता है, काफ़ी सारे बड़े यूट्यूबर्स हैं, प्लस में कुछ अंडररेटेड प्लेयर्स भी हैं जिनका एकदम शॉर्ट रेंज आप बोलोगे तो आप उनसे लॉन्ग रेंज में फाइट ले सकते हो। आप बेशक लॉन्ग रेंज में उनको हेड से मार सकते हो लेकिन शॉर्ट रेंज की फाइट आ गई तो आप चाहे कितना भी मूवमेंट दिखा लो लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको मार के चले जाते हैं, ठीक है। आपने ये चीज़ फील भी की होगी। तो इसके पीछे कोई बड़ा रीजन नहीं होता, इसके पीछे उनका स्किल्स रहता है, कैरेक्टर स्किल्स रहता है, ठीक है, और कुछ टिप्स रहती है जो फॉलो करते हैं। तो बस इसी टिप्स और ट्रिक्स के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपको क्या करना है जिससे मतलब आपका शॉर्ट रेंज एकदम इंप्रूव हो जाए, मतलब आप जो है सामने वाले बंदे को डिफीट कर। तो चलिए फिर आपको पूरा अच्छे से समझाएंगे एकदम एक इंट्रो के बाद। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को जाने का चट्टा दिया, शिमला से जा कुल्लू से मंगा के जॉइंट पिला दिया, हाँ पिला दिया, भोलेनाथ से मिलने की इच्छा थी ले मिला दिया। तो चलिए बात करते हैं अब आपकी टिप्स के बारे में। तो सबसे पहले जो टिप्स आती है वो आती है आपके करेक्टर स्किल्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम करेक्टर स्किल आपको कौन कौन सी रखनी है शॉर्ट रेंज के लिए। तो चलिए हम करेक्टर सेक्शन में जाएंगे, इधर जाके देखेंगे मैंने नॉर्मल आलोक लेके रखा है। तो देखो आपके पास अगर क्रोनो है एक्टिव स्किल में आप कोई सी भी स्किल रख सकते हो, क्रोनो वुकोंग आलोक कोई भी है ना, ये तो कंपलसरी आपको बताइए। तो दूसरी जो सबसे मेन चीज़ आती है आपको अपनी जो तीन स्किल दी जाती हैं एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए, तो तीसरी में आपको दो स्किल्स हमेशा कॉमन रखनी है, एक तो होता है कैली और दूसरा होता है मोको, ठीक है। इसका रीजन मैं बताऊँगा आपको, समझा दूंगा एग्जांपल के साथ में, ठीक है। मोको और कैली, ठीक है, ये दोनों स्किल आपको बहुत ज़्यादा कंपलसरी है शॉर्ट रेंज फाइट के लिए हमेशा। और दूसरी चीज़ आप जो यहाँ पे एक चेंज कर सकते हैं, जो तीसरी स्किल है आप या तो उस जगह पे ये ले सकते हैं जोसेफ ले सकते हैं, ठीक है, जोसेफ का स्किल ले सकते हैं, या फिर उसकी जगह आप ये नट्टी मूवमेंट यहाँ पे दिखा रहा है कि 20% आपको जो है मूवमेंट स्पीड बढ़ा देता है जब आपको डैमेज है। तो ये स्किल कब काम करती है, जब आप शॉर्ट रेंज में शॉर्ट गन यूज कर रहे हो, ठीक है। ऑब्वियसली आपको पता है डबल बैरल चलाना ज़्यादातर आजकल लोग पसंद करते हैं, तो वो क्या करते हैं दो शॉट मारते हैं तो सामने वाला बंदा कभी कभी नहीं मरता है, तो वहाँ पे उनको मूवमेंट दिखाने के लिए जो है उनको मूवमेंट स्पीड की ज़रूरत पड़ती है सामने वाले एनिमी को डिफेंड करने के लिए। तो और अगर दूसरी बात की जाए कि अगर आप शॉर्ट रेंज में MP40 या फिर कोई SMG गन चला रहे हैं तो उस सिचुएशन में आपको हमेशा जो है यूज़ करना है या तो बुशीडो यूज़ कर सकते हैं जिसको हम हयातो बोलते हैं, ठीक है, बुशीडो यूज़ कर सकते हैं, हयातो इसके स्किल या फिर एलाइट एंड्रू, ठीक है। अगर आपके पास में एंड्रू का एलाइट वाला वो नहीं है जो अवेकिन करने पे मिलता है, ठीक है, तो बेशक आप एंड्रू यूज़ मत कीजिए क्योंकि कोई काम का नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास में एलाइट एंड्रू है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, एंड्रू में अगर जाएंगे आप तो यहाँ पर देखिए एलाइट एंड्रू मेरा जो है यहाँ पर एक्टिवेट करके रखा है, तो आपको जो है एलाइट एंड्रू एक्टिवेट कर लेना है। उसके लिए आप जो है देख लीजिएगा कि कैसे वहाँ पे कुछ कुछ मिशंस होते हैं, कुछ मिशन कंप्लीट करने पे इजी एक दो दिन में हो जाता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देख लें अवेकनिंग का जो स्किल रहता है यहाँ पे जो 15% आपका वेस्ट का जो है जब आपके वेस्ट पर गोलियाँ पड़ती हैं तो 15% जो है रिडक्शन हो जाता है वहाँ पे डैमेज का, तो वो ज़्यादा मतलब ज़्यादा यूजफुल है मेरे हिसाब से। और सबसे ज़्यादा एडवांटेज है इसका कि अगर आपके टीममेट भी इसको यूज़ करते हैं, अगर हर आपका हर टीममेट अगर यूज़ करेगा इस एलाइट एंड्रू को तो आपका हर एक टीममेट को मतलब आपको भी 15% एक्स्ट्रा मिलेगा, उसको भी 15% एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी अप टू 60% आपको जो है सबको ये चीज़ बेनिफिशियल मिल जाएगी। यहाँ पे 60% डैमेज रिडक्शन हो जाएगा वेस्ट पे कम, तो सोचिए कितना ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। और आपको पता ही है कि वेस्ट हमारे लिए कितना ज़्यादा यूजफुल होती है गेम में, अगर आपके पास वेस्ट नहीं है तो आप इजी आपको कोई भी दो सेकेंड में आपको डाउन करके चला जाता है लॉन्ग रेंज हो शॉर्ट रेंज हो। अगर आपके पास वेस्ट होती है अच्छी खासी तो उस सिचुएशन में जो है आपको डिफीट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सामने वाले प्लेयर के लिए, तो वेस्ट ज़्यादा जरूरी है। और वेस्ट की अगर प्रोटेक्शन की बात करें तो यहाँ पर करेक्टर स्किल वो भी बहुत ज़रूरी है। तो एक चीज़ याद रखिए जब आप शॉर्ट रेंज में शॉर्ट गन वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो आप हमेशा नट्टी मूवमेंट यानी आप वो यूज़ कर सकते हैं जो आपका 20% अपॉन डैमेज पर बढ़ा देता है, ठीक है। और या फिर अगर आप SMG का कोई गन यूज़ कर रहे हैं थोड़ा सा मिड रेंज वाले तो आप उस सिचुएशन में जो है आप यूज़ कर सकते हैं ये एंड्रू, ठीक है, एंड्रू या फिर बुशीडो। अगर आप एंड्रू अवेकनिंग नहीं है तो आप उस सिचुएशन में जो है बुशीडो भी यूज़ कर। चलिए बढ़ते हैं सेकंड टिप्स की तरफ जो कि हमारी आती है हाउ टू कन्फ्यूज एनिमी, ठीक है, एनिमी को कन्फ्यूज कैसे करते हैं। अभी मैं इन गेम की बात नहीं कर रहा, इन गेम की बात मैं अभी जस्ट आगे
आपके आपको ट्रेनिंग राउंड में समझाऊंगा कि उसमें एनिमीज को कन्फ्यूज कैसे करते हैं, लेकिन एक कॉमन सी बात है जो आपको शायद आज तक किसी ने नहीं बताई होगी, वो रहती है कि जब आप जैसा ड्रेस यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो आपको अपने करेक्टर का ड्रेस रखना है। जी हाँ गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं अगर मैंने अपने करेक्टर का पूरा ड्रेस अब जो है ब्लैक 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 करके रखा है, ऑल ब्लैक करके, तो यहाँ पर मुझे जो ग्लू वॉल यूज करनी है वो है ब्लैक। तो ये ऑल ब्लैक करने का एक सिंपल सा रीजन है, वो है ये कि आपको एनिमीज को कंफ्यूज करना है। तो ऑब्वियसली यार अगर आपका करेक्टर का जो ड्रेस है वो ब्लैक होगा और अगर आपके पास वॉल जो आप यूज कर रहे हैं तो वो भी अगर ब्लैक होगी तो ब्लैक ब्लैक में जो है वहाँ पे एनिमी पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है कि बंदा एक्चुअली गया क्या। कभी कभी तो आप ग्लू वॉल के साइड में खड़े रहते हैं और एनिमी को सिचुएशन में देखते हैं, आपको जो है करेक्टर स्कोर वो सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी बात करते हैं ये सब जो हमने चेंजेस किए हैं उनको इंप्लीमेंट करने के बारे में। ठीक है, तो हम आ चुके हैं ट्रेनिंग ग्राउंड में। तो देखिए मैक्सिमम आपको ट्राई करना है कि सामने वाले बंदे को जो हेडशॉट दें, क्योंकि हेडशॉट से जो है आपके लिए बहुत इजी हो जाता है सामने वाले बंदे को नॉकआउट निकालना, चाहे वो शॉर्ट रेंज हो, मिड रेंज हो, लॉन्ग रेंज। तो चलिए अब स्किल्स में से एक स्किल की बात कर लेते हैं। हमारी जो है हमारे पास में मोको क्या करता है कि आपको जो है एक अगर आप किसी एनिमी पर शूट करते हैं तो उसके ऊपर जो है ये लोकेशन बना देता है, लोकेशन दिखाता है उसका 4 से 5 सेकंड तक। ठीक है, हमें उसका पोजीशन दिखता है कि एनिमी किधर जा रहा है, उसके ऊपर एक हल्का सा मार्क आता है। तो चलिए मैं आपको इस चीज़ को जो है जूम इन करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने इसको डैमेज किया तो ये बंदा मेरे को दिख रहा है उधर खड़ा हुआ, मैं अपना एम जो है उस साइड में लेके बैठा हूँ और ये जैसे ही इसका करेक्टर जो है मूव किया वहाँ से, मतलब बंदा मूव किया तो मेरे को पता लग गया कि वो जो है अपनी वॉल के लेफ्ट साइड से पुश कर रहा है, तो वो मेरे को ये चीज़ नोटिस की। और ये चीज़ आप बिलीव कीजिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है आपका अगर आप शॉर्ट रेंज प्लेयर हैं तो। कभी नोटिस नहीं करेंगे, किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मोको। अगर आपके पास मोको नहीं है और अगर आप शॉर्ट रेंज में रस कर रहे हो तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि सामने वाली वॉल के पीछे बंदा आपके पास लेफ्ट से रस कर रहा है या राइट से रस कर रहा है। तो मोको एकदम, मतलब बोल सकते हो आप एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें देख सकते हैं ये बंदा राइट में मूव किया था और ये जब इस पर मोको का साइन आया था तो मेरे को पता चल गया था ये राइट से रस करेगा। जैसे इसमें देखिए मैंने इसको फायर किया, वॉल लगाया और इसका साइन मेरे को दिख गया लेफ्ट में भाग गया है, तो मैं पहले ही जो है जंप इन करके जो है इसके ऊपर लेफ्ट में फायर दे दिया। तो ये चीज़ आपके पास अर्ली जो बोलते हैं ना कि अगर आपको सबसे पहले फायर देना है पे, तो उस सिचुएशन में जो अर्ली फायर पे आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है मोको, जिसमें आप जो बंदे के जैसे जिस साइड में मूव कर रहा है उस साइड में आप पहले ही उस पर शूट कर सकते हो बिना देखे। तो ये जो अंधाधुंध फायर के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। तो जो दूसरी हमारी टिप्स आती है वो है ग्लू वॉल के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था जिस ड्रेस का आप जिस कलर का आपका ड्रेस है उस कलर में ग्लू वॉल लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास में वॉल थी, इस बंदे ने एक शॉट मारा और ये इसको मतलब ये एकदम कंफ्यूज हो गया था, इसको लगा कि मैं वहाँ से जो है निकल गया, मतलब मेरे को किसी ने मार दिया। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में ये देखो ये इसको देखा आपने ब्रेक डांसर को, जब मैं वॉल के साइड में आ गया पीछे घूमा फिर अचानक से देखा कि बंदा तो है ही नहीं, तो वो आगे फायर करने लग गया। देखिए मैं आपको फिर से एक बार स्लो मोशन में दिखाता हूँ, ये बंदा आया सामने, इसने मेरे को देखा फायर करने वाला था, लेकिन मैं जैसे ही बैठा यहाँ पे तो इसको लगा कि मैं हुई ही नहीं, उसके बाद इसने पीछे घूम के उधर उस बंदे पे फायर करना स्टार्ट कर दिया। तो ये एक चीज़ होती है जो आप इस तरह से कन्फ्यूज़ कर सकते हो एनिमी को, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है ये, आप एक बार ट्राई करके देखना। लॉजिकली आप सोचेंगे तो ये आपको शायद समझ में आ भी रहा होगा, लेकिन मैं बोलूँगा आप एक बार गेम में जाकर ट्राई करना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और उससे पहले मैं आपको अगर गॉड किया तो ये चीज़ बताइएगा मेरे को, ये बंदे के साथ में हो क्या रहा था, ये देख रहा ये ऐसे क्यों कर रहा था भाई, किसी के पास इसका आंसर तो प्लीज़ मेरे को जो है कमेंट डाउन करके बताना ये करके आ रहा था एक्चुअली। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट करेक्टर स्किल की तरफ, जो कि हमने ये लेके रखा है यहाँ पे इलाइट एंड्रू का। ठीक है, तो इलाइट एंड्रू हमारा जो है वेस्ट पर डैमेज कम कर देता है, आपको समझ में आ ही रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कितनी जल्दी जो एकदम खुले में रह के इतने लोगों को मार दिया, उन लोगों का मेरे को बिल्कुल भी बहुत कम डैमेज आ रहा था, मैंने 2 का वेस्ट है मेरे पास में। देखिए उस बंदे ने मेरे को इतना फायर दिया लेकिन फिर भी मेरा थोड़ा सा एचपी कम हुआ लाइक 5 से 7। ठीक है, तो वो मैटर नहीं करता। तो ये देखिए आपका कितना ज़्यादा यूजफुल है ये इलाइट एंड्रू, जब आप यूज़ करते हैं तो आपके पास में जो आपके वेस्ट में जो है डैमेज बहुत कम देने देता है। देखिए इसने मारा मेरे को कोई डैमेज नहीं आया, मतलब तो कहने का मतलब ये जब आप शॉर्ट रेंज में MP40 या SMG यूज़ करते हैं तो उस सिचुएशन में आपके पास में जो है मूवमेंट वाला करेक्टर जो था उसको वो कुछ काम नहीं आता, क्योंकि देखिए जब आप फायर देंगे सामने वाले बंदी पे तो आप 1 शॉट 2 शॉट तो मारेंगे नहीं MP40 से, आपको जो बंदे को स्प्रे मारना पड़ेगा उसको डाउन करने के लिए। तो आप जब उस बंदे को मारेंगे तो ऑब्वियसली वो भी आपको डैमेज देगा, तो जब वो आपको डैमेज देगा तो उस सिचुएशन में आपका जो है जो करेक्टर यूज आएगा वो आएगा कि जो डैमेज पे आपके जो डैमेज आपको पड़ रहा है वेस्ट पे उसको रिड्यूस कर देता है वो, तो इससे आपकी वेस्ट जल्दी मतलब जल्दी डैमेज नहीं होगी और उससे आपको जो डैमेज बहुत कम आएगा। तो वहां पे जो है आपके पास मूवमेंट वाला करेक्टर यूज नहीं आ रहा क्योंकि आप बंदे को खड़े खड़े मार रहे हैं। ठीक है, आपका कौन सा करेक्टर यूज आएगा जो आप पे डैमेज कम करे, तो उस सिचुएशन में जो है आपको यूज करना है ये है लाइट एंड्रू या फिर बुशीडो यूज कर सकते हैं आप।
और तीसरा स्किल रहा हमारा कैली का तो ऑब्वियसली आपको पता ही है कि वो आपका जो है थोड़ा सा मूवमेंट स्पीड बढ़ा देता है। मूवमेंट स्पीड मतलब आपका थोड़ा दौड़ने का, जब आप दौड़ते हैं तो उसकी स्पीड तो है 6% 8% बढ़ा देता है, तो कहीं ना कहीं कैली भी आपको जो है बहुत ज़्यादा यूजफुल रहता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि गाइस आपको शॉर्ट रेंज वगैरह फाइट करें तो आपको वेपन स्विच आना चाहिए, क्योंकि देखिए उस सिचुएशन में क्या रहता है कि मे बी कभी कभी पॉसिबल होता है कि आप अगर शॉर्ट रेंज में डबल बैरल या फिर शॉटगन यूज़ कर रहे हैं तो आप सामने वाले बंदे पे फायर करेंगे तो उस सिचुएशन में आप पे मे बी उस बंदे पे नहीं मर पाएगा, तो आप मूवमेंट दिखाएंगे उससे बचने के लिए, आप डिफेंस तो कर लेंगे अपने आपको, लेकिन आपको उस टाइम पे उस एग्जैक्ट पोजीशन में आपको उस पे फायर भी देना है। तो उसके लिए आप जो है शॉटगन से मूव करके आप एआर पे चली जाइए, तुरंत से एआर से शॉट दीजिए उसको, ऑब्वियसली डैमेज है तो वो जल्दी मर जाएगा, ठीक है। तो वेपन स्विच बहुत ज़्यादा जरूरी है जब आप शॉर्ट रेंज में फाइट ले रहे हैं, आपके पास सेकंड वेपन कोई सी भी फर्क नहीं पड़ता। और गाइज सबसे मेन चीज़ होती है कि शॉर्ट रेंज में जब आप फाइट ले रहे होते हैं तो उस समय पे आपके बॉडी शॉट लगते हैं, हेड शॉट बहुत कम लगता है, मतलब एकदम आपके बंदा एकदम मुंह पे आ गया, ठीक है। तो आप उसको एसएमजी या शॉटगन से कैसे हेड शॉट दे सकते हैं उसकी, मेरे को एक्चुअली एक चीज़ पता है एक्चुअली, अगर शेयर करें तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आपको अगर उस चीज़ पर वीडियो चाहिए कि आपको समझना है कि कैसे अगर आपके पास एकदम बंदा मुंह पे आ जाता है, ग्लू वॉल के अंदर घुस जाता है, तो उस सिचुएशन में उसको हेड कैसे मारें, आपके पास कोई भी वेपन हो फर्क नहीं पड़ता, आपको डिफॉल्ट एम हटा के उस पर जो है कैसे फायर करना है उस बंदे पर हेड शॉट लगे, क्योंकि उस सिचुएशन में हेडशॉट देना ज़्यादा जरूरी हो जाता है। इस चीज़ के लिए जो एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, आपको चाहिए तो कमेंट ऑन करके बता देना। होप आपको ये सारी वीडियोज़ में जो मैंने आपको समझाया है वो सब पसंद आ गया होगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जो है कमेंट ऑन करके बता सकते हैं, वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आई हो थोड़ी सी भी। अगर इसके अलावा भी आपको कोई क्वारीज या क्वेश्चन पूछना है तो आप जो है क्वेश्चन अपना कमेंट ऑन करके बता दीजिए, मैं उसका जरूर आंसर दूंगा। तो होप आपको वीडियो पसंद आई हो, इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।